SN लाइव सच सबसे आगे। जिले के कुचायकोट के NH-27 बथना कूटी के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से BA पार्ट 1 के छात्र की हुई मौत। गोपालगंज में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चपेट में आने से BA पार्ट 1 में पढ़ने वाले एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-27 बथना कूटी के समीप 18 वर्षीय एक युवक सड़क किनारे खड़ा होकर अपने घर आने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोग और परिजन उसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में पहुंचे। इसके पूर्व ही रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृत युवक 18 वर्षीय अंकित कुमार जोगी कुचायकोट थाना क्षेत्र के व्रति टोला गाँव निवासी रामनाथ प्रसाद के पुत्र अंकित कुमार बताया जाता है। अंकित कुमार के मामा का थनाकूटी स्थित दुकान है जहां पर वह गया हुआ था और वहां से अपने घर वापस आने के लिए सड़क किनारे खड़ा होकर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में परिजन कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गए जहां पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं कुचायकोट थाने की पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल करने के बाद कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज सेशन लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। राजू शाही है और इनके मामा का दुकान है वही बथना कुटी में। वहीं से पैदल जा रहा था घर, एक टर्निंग है जो कि बथना से आगे से बंगरा गांव के लिए रास्ता कटता है, वहीं पे ही रोड से 2-3 फुट साइड में खड़ा था कि कोई गाड़ी साइकिल आएगा तो बैठ के घर जाएंगे। तब तक इधर से तेज रहता है, ट्रक आ रहा था और एक कमांडर भी आ रहा था। कमांडर ओवरटेक किया और टक्कर मार के भाग गया। अभी लड़का डेथ कर गया। अभी हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।